दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या को बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के गुजरात को चैंपियन बनाने के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने करी ऐसी मांग जिसको सुनकर भारतीय क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई। और आखिर पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या मांग करी है, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में से कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान, इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल समाप्त होने के बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है, जहां पर बड़े खिलाड़ियों को टीम से आराम दिया गया है तो वहीं युवा चेहरों को टीम में खिलाने का मौका दिया गया है। और ये सीरीज भारतीय सरजमी पर अलग अलग स्टेडियम में खेली जाएगी और इसके लिए भारतीय टीम अपनी तैयारियों में लग चुकी है। और साउथ अफ्रीका की टीम भी भारतीय सरजमी पर खेलने के लिए रवाना हो चुकी है और कुछ ही घंटों में भारतीय सरजमी पर पहुंच जाएगी और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी दिग्गजों ने एक ऐसी मांग कर दी है जिसमें पूरी क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है, जिसमें शोएब अख्तर ने कहा है कि हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से गुजरात की टीम को शानदार प्रदर्शन करते हुए और अपनी शानदार कप्तानी के दम पर टूर्नामेंट जिताया है, उसे देखकर भारतीय टीम को उनसे बहुत ही बेहतरीन जिम्मेदारी वाला कार्य करवाना होगा। और उनका प्रदर्शन कुछ इस प्रकार आया, जहां पर टीम को उनकी बेहतर आवश्यकता थी वहीं पर हार्दिक पांड्या ने अपने कप्तान होने की जिम्मेदारी पर खरे उतरते हुए शानदार प्रदर्शन किया। और अगर भारतीय टीम हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का कप्तान गुजरात को चैंपियन बनाने के बाद भी नहीं बनाते हैं तो इसके लिए भारतीय टीम खुद जिम्मेदार होगी और हो सके तो पांड्या को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दें और पांड्या को पाकिस्तान की टीम का कप्तान बना देगी। दोस्तों, वहीं वसीम अकरम ने कहा है कि भारतीय टीम हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाएगी तो भारतीय टीम को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम को खिलाड़ी की कदर नहीं है, क्योंकि जिस भी खिलाड़ी ने किसी भी आईपीएल में टीम को अपनी कप्तानी के दम पर चैंपियन बनाया है तो उसे भारतीय टीम अपनी टीम का कप्तान बना सकती है, लेकिन भारतीय टीम ऐसा नहीं करती है। और काश भारतीय टीम की जगह हार्दिक पांड्या पाकिस्तान की टीम में होते तो पाकिस्तान की टीम हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का कप्तान अवश्य बनाती, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। परंतु अगर अभी भी हार्दिक पांड्या टीम में शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने कहा है कि हार्दिक पांड्या के द्वारा गुजरात की टीम को चैंपियन बनाना एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि किसी भी टीम की कप्तानी उससे पहले ही सीजन में एक अनुभवहीन कप्तान को दी जाए तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस जिम्मेदारी को बखूबी समझा और टीम की कमाल संभाल कर टीम को बेहतर प्रदर्शन करवाते हुए फाइनल में चैंपियन बना दिया, जिसके लिए हार्दिक पांड्या की पूरे क्रिकेट जगत में तारीफ हो रही है। लेकिन अभी भी भारतीय टीम अगर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का कप्तान नहीं बनाती है तो ये भारतीय टीम की दुर्भाग्य होगा। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या चाहे तो भारतीय टीम को छोड़कर पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं और पाकिस्तान की टीम इनको कप्तान भी बनाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान की टीम से खेलने का मौका मिल सकता है या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।